आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 13 अक्टूबर 2022। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। तो दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2022 और आज है करवा चौथ। तो आप सभी को, जितने भी मेरी YouTube बहने हैं जिनका भी व्रत है, उनको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे। यदि वीडियो बनेगी आगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं अभी थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, पंखा बंद कर रखा, थोड़ा गर्मी हो रही है अभी। गर्मी हो रही है तो उमस जैसी हो रही है ना, गर्मी तो नहीं हो रही पर उमस जैसी हो रही है। तो अभी चलती हूँ और देखती हूँ कि आगे मैं क्या क्या शेयर कर पाऊंगी। तो चलो चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ तो मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं थाली लगा रही थी। थाली में मैंने एक नारियल है, ये पानी वाला कच्चा नारियल, और फूल हैं, थोड़ी सी मिठाई, थोड़े ड्राई फ्रूट, यहाँ पे फल रख दूंगी। और ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ। हर साल का भी थोड़ा बहुत इंसान भूल भी जाता है कि पिछले साल क्या किया, क्योंकि साल भर में आता है ये त्यौहार। तो यहाँ पे मैं करवा रख दूंगी और उसमें पानी है, और उसके ऊपर मैंने जो उसका ढक्कन है उसमें चीनी रखी हुई है, और यहाँ पे मैं केले भी और फ्रूट, मतलब जितने भी हो सकते हैं उतने रखती हूँ थाली में। और ये हम लोगों की श्रद्धा भक्ति होती है दोस्तों। वैसे इंसान का, मेरा तो यही माना है कि इंसान का जो है मन साफ होना चाहिए और अच्छी सोच होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं तेल डालूंगी उसके दीवे के ऊपर, जो दिया है, जो रात को भी जलेगा और अभी भी जलेगा। हम जो दिन की पूजा करते हैं उसमें भी दिया जलेगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ तैयारी कर दी है। थोड़ा थोड़ा माला जो भी है ये नाला रख दूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। पूजा में हम लोग नाला चढ़ाते हैं भगवान जी को, और ये चुन्नी है तो चुन्नी को मैं अपने घर के मंदिर में चढ़ा दूंगी। तो ये सब करती हूँ मैं, और कैसे कैसे मैं आगे शेयर करूँगी वो सब आप लोगों के साथ। ये छन्नी है मेरी, यहाँ पे ये छन्नी है, तो मैं दिखा रही थी कि ये है सामान है करवा चौथ का। और बाकी मैंने सिंदूर वगैरह यहाँ पे नहीं रखी है, सिंदूर बिंदी वगैरह नहीं रखी इसमें मैंने थाली में। तो यहाँ पे तेल डाल दिया था मैंने, और बत्ती लगा दूंगी मैं इसमें, लगा के ले जाऊंगी मैं। हम दोनों, मतलब मेरी पड़ोस में है ना, हम जब से यहाँ पे आई हूँ मैं, तो हम दोनों साथ ही व्रत करते हैं। तो ये नाला है, इस नाले को तोड़ना तो है, पहले मैं ये नारियल पे लपेट दूंगी, उसके बाद इसको तोड़ूंगी। तो मैं दिखा रही हूँ इस तरह मैं नारियल पे इसको लपेट दूंगी, क्योंकि इसको हमारे जो उसमें है धर्म में खाली नहीं रखते हैं किसी भी चीज़ को। तो इसको मैं चुनी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये वाला नारियल हमने पूजा के बाद तोड़ना है, तो इस पर मैं चुन्नी नहीं लगाऊंगी। चुन्नी हम उस चीज़ पे लगाते हैं जो कि हम रखते हैं, मतलब कि वहीं पे पूजा में रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, और आज मैंने बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी है, और तो अब मैं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मतलब हो गई थी मैं तो जाने के लिए तैयार, थाली मैंने लगा दी थी यहाँ पे। तो मैं अब हम मतलब कि मैं अपने पड़ोसी के यहाँ जा रही हूँ अभी। तो पहले हम यहीं पे पूजा करने वाले थे हमारे घर में, फिर उन्होंने कहा कि फ़ोन करके कि दीदी वो परी आ जाओ, मैं चश्मा लगाना भूल गई थी, तो बिना चश्मे का मुझे आवाज़ अजीब सा लगता है। तो ऊपर रहती है, वो ऊपर वाले कमरे में रहती है, तो उसने कहा कि आप ऊपर आ जाओ। और मतलब कि कहते कि मैंने यहाँ पे सब मैंने भी साफ कर दिया था, सब मैंने भी तैयारी करी थी, पर उन्होंने कहा कि ऊपर आ जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं पे भी पूजा करनी है, और यहाँ पे मैं ताला लगाने के लिए तैयारी करी थी, मैं चली गई थी वहाँ। अब हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी आएंगी तो शुरू कर रही थी मैं। उनका क्या, आप करो शुरू, मैं आती हूँ। तो
तो यहाँ पे मैं पूजा का मतलब कि शुरू हो गया था हमारा, तो जो कि हम लोग सबसे पहले भगवान जी को पानी चढ़ाते हैं, उसके बाद जो भी है हम रोली अक्षत जो भी चढ़ाना है फल फ्रूट वगैरह तो वो चीज़ हम चढ़ा देते हैं सबसे पहले, तो वही हम यहाँ पे कर रहे थे दोनों अपने अपनी तरफ से, क्योंकि पूजा अब दो घर के अलग अलग लोग हैं तो अपने अपनी साइड से पूजा होती है। तो यहाँ पे अब पूजा की तैयारी हो गई है, तो मेरा वही है कि हम किस तरह करते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और हर किसी का अपना अपना अलग अंदाज़ होता है, अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हम जो रोली पिठाई अक्षत लगते हैं भगवान जी को वही कर रहे हैं, तो सबसे पहले गणेश जी को फिर माता जी को हम मतलब पिठाई हमारे यहाँ पिठाई बोलते हैं, रोली कुमकुम और नाला अक्षत वगैरह सब चढ़ाते हैं वहाँ पे, फल फ्रूट वगैरह सब चीज़ चढ़ा देते हैं, उसके बाद पूजा होती है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं ज़रूर हमें भी कमेंट करके बताना कि हम इस तरह पूजा करते हैं। बस दोस्तों हम सिंपल से पूजा करते हैं दिन में ये मतलब कि 2:30-3 बजे के बीच में, तो सिंपल सी पूजा होती है जो कि भगवान जी की, और पूजा बहुत ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, इंसान का अपने मन के अंदर का इंसान सही सलामत रहे तो सब कुछ अच्छा होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि दीदी इसकी माला निकल रही है, तो मैंने थोड़ा सा मतलब कि फ़ोटो के पीछे उसको दबा दिया था ताकि वो गिरे ना। और दोस्तों हर किसी का अपना पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया, देव योग से स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री कर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः वह पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को भेज दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाया जाता है और करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। जय हो माँ करवा कर्मा माता। तो यहाँ पे हम जो थालियाँ होती है ना कि करवा लो करो, यही बोल रहे थे करवा लो करवा दो इस तरह बोलते हैं यहाँ पे, तो आवाज़ आ रही थी कुछ और भी, मैंने म्यूट कर दिया। ऐसा होता ना कि घर में जब मतलब बच्चे होते हैं या किसी और कोई और होता है, टीवी वगैरह लगता है, तो उस चक्कर में मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया आवाज़। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि कितने हो गए, तो 5 या 7 चक्कर में ये पूजा हो जाती है। Thank you.
पे दोस्तों चांद आ गया था, काफी देर पहले आ गया था, 9 बजे आ गया था। मैं खाना बना रही थी, मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी आ जाएगा, तो मैं आराम से खाना वगैरह बना रही थी और जल्दी आ गया था 9 बजे, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तब फटाफट से मैं, जब मैंने देखा कि लोगों ने सबने पानी चढ़ा दिया, तो तब मैं फटाफट से गई और पूजा कर दी।